जिंदाबाद साथियों, मजदूर आवाज संघर्ष समिति समय समय पर अपडेट कर रही है कि किस प्रकार से सरकारें मजदूरों की आवाज पर हमला कर रही है, और उस हमले से बचने के लिए जमीन पर और अदालतों में मजदूरों के समिति की तरफ से संघर्ष जारी है। जैसा कि जानते हैं कि G20 दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है, अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुख इस G20 में भाग लेने के लिए दिल्ली में सितंबर महीने में आ रहे हैं, और सितंबर से पूर्व दिल्ली में सरकारों द्वारा जिस प्रकार से मजदूरों के मानवाधिकारों को रौंदा जा रहा है, वह किसी की आंख से वंचित नहीं है। हर चैनल पर, हर अखबार में बुलडोजर के कुकर्मों को दिखाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर अगर हम बात करते हैं तो धौलाकुआ एक क्षेत्र है जहां पर PWD के नोटिस पर तमाम मजदूरों को 15 दिन में घर खाली करने के लिए कहा गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी उनको 3 महीने के भीतर पुनर्वास देने के लिए कहा, पर इस पर कहीं पर भी ड्यूसिव ने अपनी तरफ से पुनर्वास देने का आश्वासन नहीं दिया, मात्र कह दिया कि 3 महीने के लिए आप किसी शेल्टर होम में रह सकते हैं और उसके बाद में देखा जाएगा, मतलब पुनर्वास जीरो। इसी प्रकार प्रगति मैदान का मामला कि G20 के कारण ये गरीब, ये मेले कुचले लोग न दिखे, इसलिए इन तमाम लोगों को यहां से हटा दिया जाए, और तकरीबन 5-6 दिन के अंदर इन लोगों को हटाने की कवायद। तत्काल मजदूर हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने अभी अगली तारीख 20 रखी है, पर तब तक के लिए स्टे है, ये अभी बच गए हैं, पर इनका पुनर्वास कहां पर है, इन लोगों को आवास कब मिलेगा, क्या विस्थापित होने के बाद पुनर्वास की कवायद होगी, सफल होगी या असफल होगी, कुछ नहीं पता। ऐसा ही मामला तुगलकाबाद का आया, जिसमें 11 दिसंबर को नोटिस लगा दिया गया तुगलकाबाद में, और लगभग 30,000 तुगलकाबाद के घरों के ऊपर बुलडोजर का साया मंडराता दिखा। लोग जिनके पास खाने के लिए एक टाइम की रोटी नहीं है, उन लोगों ने जुगाड़ करके जैसे तैसे संगठनों का सहारा लेके हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट ने अभी पुनर्वास के मुद्दे पर एक कमेटी गठित करने के लिए दिल्ली और केंद्र की सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो उनके लिए पुनर्वास हेतु एक संयुक्त ठोस योजना बनाकर मार्च में फिर से कोर्ट आए। अभी एक और मामला महरौली का, जो पूरी दुनिया दराज में सुना जा रहा है और आश्चर्यचकित है दुनिया की हर राष्ट्र का प्रमुख, कि जहां G20 होने जा रहा है, जहां पर राष्ट्र का प्रमुख जा रहा है, वहां पर पहले इतना बड़ा विनाश है और इस विनाश के बाद में वहां पर G20 की बैठक होगी और दुनिया दराज की बातें होंगी। हाँ साथियों, महरौली की बात है जहां पर लगातार नोटिस लगाया जा रहा है, और इतनी बड़ी राजनीति इस मामले में हो रही है कि जो नोटिस लगा रहे हैं, जो इसे सरकार के माध्यम से नोटिस दिया जा रहा है, वही सरकार अब कह रही है कि अब डेमोलिशन नहीं होगा, तो इतने दिन में इस सरकार की आंखें क्यों नहीं खुल रही थी, नोटिस लगाने की जरूरत कहां थी। दिल्ली सरकार ने भी आके कहा कि ये डिमार्केशन गलत है, इस डिमार्केशन में हम सबको दरकिनार किया गया, हम सबको मतलब दिल्ली सरकार को, और उन्होंने फिर से एक नोटिफिकेशन जारी किया। हम नोटिफिकेशन लेके जगह जगह DDA से मिले, हमने नोटिफिकेशन लेके दिल्ली कोर्ट में गए, पर उसको कोई सुनने को मानने के लिए राजी नहीं, और अचानक अब LG आके कहते हैं कि ये डिमार्केशन वापस होगा, अब रोक दिया जाए। क्यों नहीं LG ने ये विनाश होने से पहले इस प्रकार का आश्वासन, इस प्रकार की घोषणा की, इतने लोगों को मौत की नींद सुलाया गया, यही मौत की नींद है कि उसके घर को तोड़ देना, राइट्स ऑफ बंडल को नोच लेना और उसको कुचल देना है। आपने इतने लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन किया, जिस DM की प्रेजेंस में, दक्षिण दिल्ली के जिस DM की प्रेजेंस में डिमार्केशन गलत हुआ, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी मांग कौन कर रहा है, और क्यों LG साहब उस समय डिमार्केशन की रिपोर्ट को नहीं मान रहे थे, तत्काल ही क्यों नहीं कार्रवाई हो रही थी। सब लोगों को कोर्ट जाना पड़ रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है,
रोजगार नहीं है और ऐसे में कोर्ट जाने के लिए लोग पैसा कहां से लाए, अपने घरों को बचाना है तो उनको कोर्ट जाना पड़ेगा। जिन लोगों ने बैंकों से लोन ले लेके मेहरोले के अंदर घर चुने हैं, आज उनके लोन पूरे नहीं हुए हैं, वो कैसे कोर्ट जाए। सवाल खड़ा होता है कि आप ही गावे, आप ही बजावे और आप ही संगीत सुनाए, उनकी जब मर्जी पड़ती वैसा ढोल बजेगा, जैसा वो चाहे वैसा संगीत तांडव करेंगे, जैसा चाहे वो तोड़ फोड़ करेंगे। गरीब मजदूर के हाथ में कोई ताकत नहीं है जिसकी वजह से वो अपने आप को बचा सके। सबसे बड़ा पैसे की ताकत है तो उठ जा पाएगा। जिन संगठनों ने कुछ मदद की तो कुछ घर बच गए, पर जो जमीन जोद हो गए सारे के सारे घर, उनका अब तक क्या होगा? उन लोगों को कंपनसेशन कैसे मिलेगा? उन लोगों का पुनर्वास कैसे होगा? जरना करके एक जगह है मेहरोली में ओलिया मस्जिद के पास, जहाँ इतने गरीब लोग हैं जिनके पास में 100-500 रुपए भी नहीं है और वो लोग ना कोर्ट जा पा रहे हैं। उन लोगों के पास रजिस्ट्री नहीं है, पर वो लोग 20-30 साल से जमीन पर रह रहे हैं। आज उन लोगों का पुनर्वास कहाँ है? दिल्ली की ड्यूसिफ की पुनर्वास की पॉलिसी अगर उन लोगों के लिए एलिजिबल नहीं है, तो क्यों नहीं इन लोगों के लिए फिर से एक पुनर्वास की पॉलिसी बनाई जाए, इन लोगों के लिए ठोस पॉलिसी बनाई जाए। और जो लोग 2021 तक वहां पर घर बनाए, उन तमाम लोगों को केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर पुनर्वास करे। राज्य और केंद्र की लड़ाई के अंदर, इन दोनों सरकारों की लड़ाई के अंदर गरीब जनता के हाथ से रोटी छीनी जा रही है, गरीब जनता के हाथ से रोजगार छीना जा रहा है, गरीब जनता के हाथ से आवास छीना जा रहा है। सरकार के पास आवास का देने के लिए पानी की एक बूंद नहीं है और वो बने हुए घरों को, पक्के मकानों को और झोपड़ियों को तोड़ रहे हैं। 2022 निकल गया, केंद्र की सरकार फेल हो गई, घर नहीं दे पाई, और अब जिनके पास घर है उनको बेघर किया जा रहा है, शेल्टर होम को तोड़ा जा रहा है, ये कहते हुए कि यहाँ पे बहुत सारे अपराधी हैं। शेल्टर होम में अपराधी हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में अपराधी नहीं है क्या? आपने उन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को तोड़ने के लिए बोला है? हम तो किसी को तोड़ने की बात नहीं करते हैं। मजदूर आवास संघर्ष समिति मांग करता है कि जीरो एविक्शन पॉलिसी पूरे देश में लागू की जाए। जिस प्रकार से राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड का कानून बना, उसी प्रकार से आवास की गारंटी देने वाला कानून सरकार तैयार करे। नहीं तो इसी प्रकार से सरकारों की गलती, डीएम की गलती, रेवेन्यू की गलती, न जाने किस किस की गलती से गरीब मजदूर का घर टूटता जाएगा, आशियाना टूटता जाएगा, मानवाधिकारों को तोड़ता रहेगा, उनको रोनता रहेगा और कोई आवाज नहीं उठाएगा। हम सब मिलकर मांग करते हैं सरकार से तत्काल ही रोजगार की गारंटी का कानून लेके आए, ताकि कोई इनके घरों को हाथ लगाने से पहले, चाहे डीएम हो, चाहे एसडीएम हो और चाहे कोई सरकार हो, पहले तनिक सोचे, नहीं तो उसके ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार के मामले को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। मजदूर वाणी चैनल से निर्मल अग्नि।